एक बार फिर सीईडी की कार्रवाई झारखंड में तेज हो गई। ईडी ने 6 मई को बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रामीण विकास आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल व उनके नौकर जहांगीर आलम के यहां से तकरीबन 32 करोड़ रुपए बरामद किए थे, जिसके बाद ईडी ने इन दोनों को गिरफ्तार कर रिमांड में लेकर इनसे पूछताछ करी थी। पूछताछ के दौरान कई सारे सवाल के जवाब इन दोनों संजीव लाल व उनके नौकर जहांगीर आलम की ओर से मिला, जिसके बाद इसी आधार पर ईडी ने एक बार फिर से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को समन जारी किया था। आलमगीर आलम को समन जारी करने के बाद ईडी ने सवालों के जवाब लिए, कई दस्तावेज जुटाए और इसी पूछताछ के दौरान ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया था। और लगातार आलमगीर आलम से टेंडर कमीशन मामले में पूछताछ की जा रही थी। आपको बता दें कि जो टेंडर कमीशन मामला है वो वीरेंद्र राम से जुड़ा हुआ मामला है और उसी के आधार पर लगातार ईडी की जो जांच है वो झारखंड में चलती आ रही है। जिस तरीके से आलमगीर आलम से पूछताछ के बाद ये भी सामने आया है कि ईडी इस टेंडर कमीशन में तकरीबन ईडी की ओर से जो सूचनाएं मिल रही है, जो खबरें मिल रही है, इस टेंडर कमीशन में तकरीबन झारखंड में 3000 करोड़ रुपए की हम ये कह सकते 3000 करोड़ रुपए की घपलेमारी की गई थी। इसी के आधार पर लगातार ईडी झारखंड में अपनी कार्रवाई तेज करती हुई नजर आ रही है। वही आपको बता दें कि ईडी की ओर से जब जहांगीर आलमगीर आलम से जब पूछताछ की गई तो कई सारे दस्तावेज निकल कर सामने आए और साथ ही ईडी ने आलमगीर आलम की डायरी को भी कोर्ट में पेश किया था और उसी के आधार पर एक बार फिर से ईडी की कार्रवाई झारखंड में तेज होती हुई नजर आ रही है। और ईडी की ओर से जिस तरीके से जिस कोर्ट वर्ड में डायरी में आलमगीर आलम की डायरी में टेंडर कमीशन मामले से जुड़े जो दस्तावेज सामने आए हैं उसी के आधार पर एक बार फिर से झारखंड के एक आईएएस अधिकारी को समीर मनीष रंजन को ईडी ने समन जारी किया। और आज जैसे कि आज पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में मनीष रंजन बुलाया गया, लेकिन मनीष रंजन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। पूछताछ के लिए वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, जिसके बाद मनीष रंजन की ओर से राजस्व विभाग के कर्मचारी अनिल कुमार व्यक्ति के हाथों उन्होंने एक लेटर भेजा है। हालांकि उस लेटर में क्या कुछ वो कुछ निकल कर सामने नहीं आया है। मनीष रंजन के जो कर्मचारी थे वो ईडी दफ्तर गए, उन्होंने उनके जो लिफाफा था उनका रिसीविंग करवाया, उसके बाद वो बाहर निकले। उन्होंने मीडिया से भी बात की, उन्होंने कहा कि उन्हें बस यह लेटर लेकर ईडी दफ्तर में आने को कहा गया था। उस लेटर में कितने दिन की रिमांड, कितने दिन का समय मांगा गया है उन्हें वैसा उन्हें कुछ भी उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। हालांकि बता दें कहीं ना कहीं कि जो लेटर जो मनीष रंजन के अधिकारी के ओर से जो लेटर ईडी ऑफिस में भेजा गया है, तो कहीं ना कहीं से ये साबित हो सकता है कि मनीष रंजन ईडी से समय मांग रहे हैं। और एक ये भी मुख्य वजह हो सकता है कि 25 मई को झारखंड में 4 लोकसभा सीट में चुनाव है, देखते हुए मनीष रंजन ईडी से समय मांग सकते हैं। हालांकि क्या कुछ उस लिफाफे में वो समय ही बताएगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ मैं सदन पहुंचना चाहिए।